प्लम्बर भाई का छोटा बेटा और साथ में उनका भाई आए हुए हैं केज लेकर। इनको चाहिए वहाँ से बजीज पैरेट्स। काफी देर से बैठे हुए थे, आ जाओ केज लेके आ जाओ, ऊपर चलते हैं और वहां से ना इनको बजीज पकड़ के देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यार मैंने किसी को नाराज तो कर नहीं सकता, छोटे ने मांगे थे, इसलिए मुझे अब यहाँ से एक मेल और एक फीमेल बजी का पकड़ के देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से पैरेट्स पकड़ते हुए मुझे ये प्रॉब्लम होती है, कहीं मैं कोई ऐसा पेयर या कोई ऐसा फीमेल मेल ना पकड़ लूँ जिनके अंडे बच्चे हों, काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है। तो इसलिए जब भी अगर मैं यहाँ से अभी एक या दो पैरेट्स भी पकड़ूंगा ना, तो उसमें भी मुझे 10-20 मिनट लग जाएंगे। अब ये भी ठीक से आइडिया नहीं है मैं किसको पकड़ लूँ, क्योंकि अभी जितने भी ये मटकियाँ थी ना, सबके अंदर कोई ना कोई मेल फीमेल बैठे हुए थे। इब्राहिम बस कुंडी लगा दो ना, इब्राहिम बाहर जा पाए ना अंदर आ पाए, ताकि पैरेट्स ना निकल जाए, वरना कभी बाहर जाएगा कभी अंदर आएगा। तो अभी शुरू करते हैं अपना मिशन और कोई अच्छा से पैर ही पकड़ देते हैं, कम से कम पैर लगा हो, टेंशन ना हो, क्योंकि इन्होंने नया पिंजरा लिया है, बस एक मटकी लगानी है। इनके घर जाते ही ना वो अंडे बच्चे देना शुरू कर दे। यार तो एक मेल हमने पकड़ लिया है, अब बाकी हर मटकी के अंदर अंडे हैं। यार मैं जितनी मटकियां चेक कर चुका ना, ये सारी साइडों की देखें, अभी भी फीमेल बैठी है, यहाँ से मैं नहीं पकड़ सकता। एक मिनट में आ रहा हूँ यार, ये एक मिनट दरवाजा खोलो जल्दी से, ये पकड़ो तुम। फिलहाल एक हमने पकड़ लिया, बाकी बाद में पकड़ेंगे, आकर इनको देंगे। यार उस तरफ ना थोड़ा सा मसला बन गया है, तो हमें पहले जल्दी से उधर जाना पड़ेगा। ओए ओए, चलो भाई चलो भाग के चलते हैं। क्या है क्या किधर है, ये देखो ऊपर, इधर किधर है फिजेंट, इधर ही है ऊपर नहीं है, फिजेंट भी भाग गया। हाँ जी, उनके घर के अंदर चला गया होगा, उसे तो पकड़ते हैं बाद में, पहले हम इसका तो कुछ कर ले। तो अभी दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ए चुप कर जो, लाता हूँ उसको, सबर करो, पहली लड़ाई के लिए तैयार हो गए, पता नहीं लड़ाई करेंगे क्या करेंगे, अभी तक तो इनको हमने निकाला ही नहीं है। हमारे घर में दोस्तों एक नया मेहमान, बल्कि नई मेहमान आई है, जो कि है यहाँ पर, ये देखें दोस्तों, ये अभी डर रही है हमसे। यार इसकी नस्ल का हमें ठीक से नहीं पता चल रहा, अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा। हमें तो जैसे ये पोडल भी लग रही है और साथ में रशियन, ये जैसे मिक्स है। और ये ना एक दोस्त यहाँ पर छोड़ के गया है, और ये काफ़ी देर से यहाँ पर आई है, हम इसके करीब नहीं जा रहे, वो इसे बांध के वहाँ पर गया था, अब ये खुद से कहीं खुल गई है। यार ये इसके करीब जाते हैं ना, ये हमें काटने के लिए आती है। एक दफ़ा तो गली में ना आते वक्त इसने छोटे से बच्चे को काटने की कोशिश भी की है, तब हम इसके करीब नहीं जाना। जी जी नहीं काटती, ओ अभी कुछ नहीं कह रही, किधर इधर इधर इधर, ओए ए जैन, ये अपनी कुछ कह रही, इधर देखो वो कैसे आगे के भाग रही है, ये भागने के चक्करों में है। दरवाजा नहीं खोलना, आराम से आराम से, इसके सामने जू ही दरवाजा खुलता है, दरवाजे की तरफ भी भाग के जाती है। मैं इसे पकड़ के अब अल्फा चिली के करीब लेके जाता हूँ, डर भी रही है बहुत ज्यादा। इधर आओ, बात सुनो, ये अभी देखें आवाज़ें निकाल रही है। ओए नहीं नहीं, हम तुम्हारे करीब नहीं जाएंगे अभी, नहीं नहीं है ना, इसलिए कर लेता। ओ भाग गई, आ गई मेरे पास, आ गई है। ए इब्राहिम देखना पीछे ना लग जाए, इब्राहिम के कहीं आ जाओ, मैं ना इसे अल्फा चिली के पास लेके जाता हूँ। जैन गया हुआ है फिलहाल अपना फिजन पकड़ने के लिए, वो आ जाए ना तो फिर हम अल्फा चिली को भी बाहर निकालेंगे, उनका रिएक्शन देखेंगे, क्योंकि अब ये अल्फा चिली के साथ ही कुछ दिन रहने वाली है। पकड़ो भाई पकड़ो, दो बंदे हो, दो से ये फिजन नहीं पकड़ा जा रहा, मैं ये वापस ना कहीं चला जाए, मैं इसे ऐसे पकड़ता हूँ। गया गया, ओए अब पीछे हट जाओ भाई, ये सीधा वहाँ से छलांग लगा के कहाँ जा रहा है, ओए अपने घर का उसे पता ही नहीं है, यहाँ से ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाओ, भाग जाएगा मैं बता रहा हूँ, वो देखो कहाँ चला गया, वो अभी आ तो गया, अब सामने देखना, नई मेहमान भी अंदर है, खुली हुई है, कहीं उसे पड़ी ना जाए। चलो चलो वापस अपने घर चलो, तुम्हारे मुझे पता है फिर से पार आ गया तुम्हारे पर, फिर से मुझे काटने पड़ेंगे, भागो। जाओ ना, वो कुछ भी नहीं कहती यार, कुछ भी नहीं कहती, ये देखो अभी हमारे पास ही आ रही है, हम इसे जितना ज्यादा टाइम देंगे ये हमसे दूर नहीं जाएगी, बल्कि हमारे साथ मानूस हो जाएगी और फिर ये हमारे साथ खेलेगी। ये नहीं आई है ना, तो इसलिए डर रही है। इब्राहिम जहन के पीछे भागो, उसके पीछे से लगाओ लगाओ लगाओ, ओ खुद ही उसके पीछे भाग रहा है, बल्कि खुद डर रहा है। यार जहन इधर आओ, अभी हम क्या करते हैं, इसको लेके जाते हैं अल्फा और चिली के पास और देखते हैं, मेरे हाल में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि इसको उन्हीं के पास रहना है यार, इनको इकट्ठा रहना चाहिए। क्या हो रहा है देखना, चलो शाबाश, ये डरती है। नहीं नहीं थोड़ा सा डरती है लेकिन ठीक हो जाएगी। अच्छा चुप, मैंने से कुछ बोला ही नहीं है। यार यार उनको निकालो, एक मिनट जरा, मैं एक मिनट निकालता हूँ, अभी पता चल जाएगा, ये हमसे डरती है, इनसे नहीं डरेगी। पीछे आ जाओ, पीछे हो जाओ, लड़ाई ना हो जाए।
भाई लड़ाई हो गई है, जल्दी जल्दी पकड़ो। ठीक हो जाएंगे। वो कुछ नहीं कह रहा। 5-10 मिनट लगेंगे भाई, ऐसा ही होता है। वो अल्फा कोई नई चीज दे, वो चिली गई, चिली भी गई भाई। छोड़ दो। कुछ नहीं कह रही। अभी नहीं है ना, 5-10 मिनट लगेंगे, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मैं जल्दी से इनको थोड़े से छिलके दे देता हूँ, रोटियां साथ में। चलो भाई दो ना, पिलाओ ना, क्यों नहीं इसे दे रहे दूध? ये तुम्हारे हाथ से नहीं पिएगा, मेरे हाथ से। चलो अब यहाँ पर पकड़ लो। शाबाश। और ये देखे दोस्तों, अल्फा चिली और साथ में हमारा नया वाला। यार ये पूडल डॉग है, इसका कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे इसका ना ये फेस देखें, बिल्कुल लगड़ बगे जैसा है, या फिर भेड़िए जैसा है। देखे अल्फा, चलो इधर आ जाओ, तुम्हारी दोस्त आई है। नहीं, अब बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करते। ये देखे, कुछ 2 मिनट गुजरे और ये बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और ये रात को इकट्ठे रहेंगे तो कल तक तो बिल्कुल अच्छे से एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे। ये तो एक दूसरे के साथ दोस्ती कर ही लेंगे, लेकिन मुझे भी इसके साथ दोस्ती करनी है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसे आहिस्ता से हाथ लगाऊं और ये बिल्कुल भी लड़ाई ना करो। इसका मुंह देखें, स्काउट पीछे हो जाओ, खतरे वाली बात मुझे लग रही है। उसको हाथ लगाओ जरा, उसको हाथ लगाओ। क्या हुआ? हाँ, टक्कर किधर? ओए ये देखें, स्काउट ने आज फिर टक्कर लगाई है कहीं, सर जख्मी हुआ पड़ा है। ये लो भाई, तीसरा फीडर भी आ गया। कितना फीडर पीता है यार, जूं जूं बड़ा होता जाता है फीडर ही पीता रहता है। 2 फीडर फुल पी चुका है और ये आधा फीडर। हाँ आपकी तरह ये भी 2 फीडर पीता है। ये लोग, तीसरा आधा फीडर था वो भी खाली हो चुका है। अब जो अपने घर कुछ भी नहीं है, खाली सब कुछ हो चुका है सब। इसको तो पिलाऊं, पीते हैं पीने। ओए ओए, अब कुछ नहीं कह रही, पीछे जाओ भाई, इसके करीब मैं नहीं जाने वाला। रोज का भी कोई अच्छा काम नहीं है, गलती से हमने तोड़ा क्या यहाँ पर रखा है, पूरा तोड़ा उलट के रख दिया इसने। इसे भूख नहीं लगी हुई, बस इसने ना ये हरकतें करनी होती हैं। हाथ लगा लिया। हाँ लगा ली है, आगे से इतने जोर से काटने के लिए आती है ना, ये देखना अभी। अल्फा अल्फा रुक जाओ, अल्फा उसे तंग कर रहा है। चलो जाओ, तुम जाओ यहाँ से, जाओ दोनों भाग जाओ, करीब नहीं आना उसके। वो देखो फिर अल्फा जान बूझ के उसके साथ शरारते कर रहा है। अल्फा तुम जाओ यहाँ से, चलो जाओ, मैं जूता उतारूं। ओए भाग के जाओ यहाँ से, अब क्या पता अब वो आएगी मेरे पास, देखना खुद आएगी। ये देखे, बस एक दफा इसका डर खत्म करना है, इसे हाथ लगा के। बस थोड़ा थोड़ा डर रही है, इधर आओ। देखना भाई, ना यही तो मुझे डर लगा हुआ, कहीं काट ही ना ले। यार ये काट लेगी, अब क्या करूं, रस्सी खोल दे, छोड़ दो बस। अल्फा चिली के साथ घूमती रहे, खुद ही उनके घर के अंदर चली जाएगी, कल तक ठीक हो जाएगी, कुछ खाए पिएगी तो ठीक है। और वैसे ना अल्फा चिली के घर में ले जाते हैं। इधर 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 इधर, ओ यार उस तरफ भाग के जा रही है, घर के अंदर नहीं जा रही। फिर से अल्फा इसके साथ पंगे लेगा। अल्फा चिली चलो घर के अंदर, इसको भी अंदर लेके आना, लेकिन यार ये जा ही नहीं रही। इधर आओ ना, ये यार जैन भाग के आना, जैन आएगा फिर ही जाएगी, ऐसे अकेले में नहीं जाएगी। बत्तख का जो छोटा वाला बच्चा कल हमने छोड़ा था, ये देखे यहाँ पर माशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक ठाक है। यार डायनासोर की फीमेल ने अभी तक अपना 4th अंडा नहीं दिया, मुझे इस बात की टेंशन हो रही है कहीं पानी के अंदर ही ना दे दिया हो। ये दरवाजा भी खुला हुआ है और यहाँ पर तो नहीं कहीं उसने दे दिया, हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि उसने पहले अंडे इधर दिए थे ना, तो इसलिए मैं इसको भी एक दफ़ा देख लेता हूँ उठाकर। नहीं यार यहाँ पर तो कोई भी बड़ा अंडा नहीं पड़ा हुआ, तो हो सकता है कि अगर उसने आज अंडा नहीं दिया तो कल ज़रूर देगी। यहाँ से पत्ता तोड़ता हूँ और देखता हूँ ये हाथ में आके खाएंगे, कहीं जंगली तो नहीं हो गए। ये देखें आप तो दूर दूर, ये पत्ता रात का टाइम है, क्या पता भूल गए हो, इन्हें नज़र ना आ रहा हो। देख लो एक दफ़ा, करीब जाना ऐसे बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये एकदम से भाग के ना दीवार को भी टक्कर मारते हैं और अब तो ये हमें भी आहिस्ता आहिस्ता टकरें मारना शुरू कर रहे हैं। फीमेल को मैंने इस जगह पर बांध दी है, अब फिलहाल तो कोई भी लड़ाई नहीं हो रही। शुरू शुरू में ऐसे एक दूसरे को इन्होंने डराया था, ये देखें। बस ये मुझे हाथ लगाने दे देना किसी तरीके से। अल्फा को पता नहीं क्या तकलीफ होती है, ऐसे आता नहीं है, और जब मैं यहाँ पर आके खड़ा होता हूँ तो भाग के पहुँच जाता है। तो खैर दोस्तों, मुझे इसका नाम बिल्कुल नहीं पता, ये कौन सी ब्रीड है, अगर आप में से किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, अच्छी ब्रीड है बुरी ब्रीड है। बहरहाल ऐसे दिखने में तो प्यारी लग रही है, देखें अगर ये मेरे साथ टेम हो गई ना तो ये बहुत अच्छे से मेरे साथ खेलेगी। हम इसको नहलाएंगे, ये और ज़्यादा प्यारी हो जाएगी। बस अगर अल्फा और चिली इसके साथ पंगे लेना छोड़ दें, तीनों दोस्त बन के यहाँ पर अच्छे से रहें। तो राजू के पर आज हमने काटे हैं, ये देखें इसने पहले मुझे काटा भी है, अभी ये मुझे कुछ नहीं कहेगा, आराम से बैठ जाएगा। जब ये अपने केज के अंदर होता है तब बहुत काटता है। चलो भाई दरवाज़ा खोलो जल्दी से, इसे इसके घर के अंदर छोड़ें। शाबाश। इसको अब टेंशन पड़ी हुई है कि हमने उसको बाहर क्यों निकाल दिया। अभी हम जा रहे हैं फिजेंट के पर काटने के लिए, क्योंकि उसके भी पूरे पर आ चुके हैं और कोई पता नहीं है वो कहाँ भाग गए।
थोड़ी सी देर पहले तक तो यहाँ घूम रहा था, रोशनी थी, हमने उसे पकड़ा नहीं है। हमने सोचा अंधेरा होगा तब आएंगे और उसे पकड़ेंगे। अभी पता नहीं यार वो है किधर, अंदर चला गया। अच्छी बात है, अभी उसे बाहर निकालते हैं और उसके पर भी काट देते हैं। फिजेंट को भी हमने पकड़ लिया। ये देखो भाई इसके नाखून और ये चक्कर, इतने जोर से मारते हैं ना, जख्मी तो नहीं कर दिया, बचत हो गई है। अभी इसके पर भी देखे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें पर कटे हुए हैं, लेकिन ये वाले फिर से आ गए हैं, इसलिए इसने उड़ना शुरू कर दिया। ये शायद आ गए हैं जो हमने निकाले थे, तो इन दोनों परों को भी हम काट देते हैं और फिर तुम नहीं उड़ सकोगे। ये देखें काटेगा तो नहीं, नहीं नहीं काटता तो नहीं है, लेकिन कितने प्यारा से बोल रहे हैं। इसकी फीमेल लेके आते हैं 2-3 दिन तक, बल्कि अभी ही सबको कह देते हो, जिसके पास भी होगी इसकी फीमेल आ जाएगी और फिर इन दोनों को ना हम अलग से रखेंगे, फिर ये मुर्गियों के साथ नहीं रहेगा। हाँ उस केज में तो पर इसके कट चुके हैं, इसे मैं बिठा देता हूँ इस जगह पर। चलो आराम से बैठ जाओ, अब ये कहीं भी नहीं जा पाएगा। भाई उनको भी देख लेते हैं, लड़ाई ना हो रही। लड़ाई हो रही होती तो अभी आवाज़ आ रही होती, कोई भी जरा सी भी लड़ाई नहीं हो रही, वो बिल्कुल सुकून से मुझे लगता है बैठे हुए हैं। हाँ भाई किधर है, अपना खाना खा रहे हैं। अल्फा खाना खा रहा है और बाकी चिली चिली भी बाहर है और नई फीमेल भी बाहर है। ये रही चिली और वो, इसको खाना इन्होंने लगता है खाने ही नहीं दिया, ऐसा ही है ना सारा। यहाँ से अल्फा उठा के खाना उस तरफ को ले गए। तो खैर हम अभी अल्फा से बाकी खाना लेते हैं और फिर इसको देते हैं। आ गया आ गया, देखो कुछ भी नहीं कहना, अब ये बस ठीक हो जाएंगे। 2-3 दिनों के बाद है भाई, ये बिल्कुल ऐसे सेट हो जाएंगे। हमारी मछलियाँ इस वक्त क्या कर रही हैं यार, ये बड़ी सख्त जान मछलियाँ हैं। ये हमने कम ली थी और एक भी नहीं मरी, और जिनको मरना नहीं चाहिए था वो सारी की सारी मर गई, बल्कि कुछ तो बच भी गई थी जिनको आपने देखा कि हम लेक में जाके छोड़ आए थे। अब वहाँ पर नहीं पता वो बच पाई होगी, क्योंकि सबके कमेंट्स यही थे कि ये मट्टी में और गंदे पानी में रहने वाली मछलियाँ इस तरह के पानी में नहीं रहती, तो हो सकता है कि लेक के अंदर वो बच गई हो। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे खत्म। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।